हेलो एंड वेलकम टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके जेके एसएसबी के लिए डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी रीजनिंग सेक्शन से होंगे। तो हम जो है होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर अपलोड करते हैं, एग्जाम अपडेट करते हैं अपलोड। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री सेक्शन से पहले क्वेश्चन होंगे। जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई महाराजा। जंतर मंतर जो दिल्ली में बनाया गया है वो किस महाराजा ने बनाया है? हमारे पास ऑप्शन है जय सिंह ऑफ जयपुर, जय सिंह सेकेंड ऑफ द जयपुर, राम सिंह वन एंड बिशन सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जय सिंह और सेकेंड ऑफ जयपुर। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स रहते हैं हिस्ट्री में वो आपको याद होने चाहिए। ये बेसिकली जो है मॉन्यूमेंट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए और आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें मैंशन की गई हैं। तो हर किसी मॉन्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ऑड वन आउट इन द रिलेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो मैं आपको पढ़वा चुका हूँ और यहाँ पर हमें ऑड वन आउट जो है वो देखना है। तो यहाँ पर जो है तीन ऐसी साइट्स है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक ऐसी साइट है जो उनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो ऑड वन आउट में वही साइट है जो कि इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति भवन, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ताजमहल भी है और ये सन टेम्पल जो है ये भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द इंदिरा पॉइंट द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में। हमने देखा था जो हमारे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, हमारे साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है और वेस्ट में कौन सा पॉइंट है। चारों पॉइंट जो हमने वो देख लिए थे। तो यहाँ पर जो है साउथ का जो हमारा अप्पा होता है उसके बारे में पूछा हुआ है। इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, वो साउथ का हमारा पॉइंट है, साउथ में है। ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो हमारे अंडोमान और निकोबार आइलैंड यहाँ पर है तो उनकी जो है ये निकोबार की टिप में है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये वेस्टर्न टिप में है, ईस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है या साउदर्न में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थ्री का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साउदर्न होगा। तो ऊपर हमारे पास अंडमान आता है, फिर नीचे जो है वो निकोबार है। अंडमान में भी जो है वो पहले जो है वो नॉर्दर्न पार्ट आता है, फिर मिडल पार्ट आता है, फिर जो है वो साउथ, वो फिर इसके बाद लिटल आता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो निकोबार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद व्हाट। तो यहाँ पर जो है वो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंबाला फेस्टिवल है। आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा जो कंबाला फेस्टिवल है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, ये कर्नाटका का है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये बफेलो की रेस से एसोसिएटेड होता है। द कंबाला फेस्टिवल जो है कर्नाटका का फेस्टिवल है, वो किससे एसोसिएट है, बफेलो की रेस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन लिए है ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि 10th 12th लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें से जो है वो लिए हुए है। देखिए अब यहाँ पर कुछ आरआरबी से क्वेश्चन लिए गए जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में है। बेस्ट डेज फाउंड डिड दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की बुनियाद किसने डाली है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, तो आप बोलिए। यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास जो कि आरआरबी 2000 एएलपी 2018 में आया है, रहीम, औरंगजेब, बाबर एंड अकबर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अकबर। अकबर फाउंडेड द दीन ए इलाही, अकबर ने दीन ए इलाही की बुनियाद डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरआरबी की से ही पूछा गया है, डैश डैश इज नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन, किसे कहा जाता है इंडिया का स्पाइस गार्डन। हमने अपनी हिस्ट्री की वीडियो में अभी एक्चुअली ये चीज़ें पढ़ ली है कि अंग्रेज जब आए थे ट्रेड करने के लिए तो यहाँ पर जो है वो स्पाइसेस की ट्रेड किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे
क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, केरला। केरला में मिलते हैं स्पाइसेस, तो इसी को कहा जाता है स्पाइस गार्डन। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलेंगे। दक्षिण गंगोत्री इज अ रिसर्च बेस स्टेशन सेटअप बाय द इंडियन साइंटिस्ट, वेयर इट इज लोकेटेड। आप जानते हैं दक्षिण गंगोत्री जो है एक रिसर्च बेस स्टेशन है जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, बट इसकी लोकेशन कहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी 2018 में जो है वो पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे ये अंटार्कटिका में है, तो अंटार्कटिका में जो है वो दक्षिण गंगोत्री जो है रिसर्च बेस स्टेशन जो है वो सेटअप किया गया है, जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर एट है, विच मुगल एम्परर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है, और रिवोल्ट में हमने अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में अच्छे से पढ़ा था कि जो भी रिवोल्ट के लीडर थे, जो कि उस टाइम जिनके हेड जो बहादुर शाह जफर थे, तो किस लीडर के साथ क्या हुआ। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो बहादुर शाह जफर है वो जो है बाद में उन्हें रंगून भेज दिया था जो कि म्यांमार में था, और फिर वो वहीं पर जो उनके बेटे को जो है वो मार दिया था, और फिर वो वहीं पर रंगून में ही जो है बाद में आखिरी दम तक जो है वो रहे, और वहीं पर उनकी जो है वो डेथ हुई। हमने यह अच्छे से जो है वो पढ़ लिया था। तो विच मुगल एम्परर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश, तो नाम क्या होगा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर नाइन है ज्योग्राफी से रिलेटेड। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ द साउथ गंगा इज रेफर टू एज। हम जानते हैं अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ठीक है, मैप जो है कुछ इस तरीके से पार्ट होगा, फिर ऊपर यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है, तो ये वाला यहाँ से लेकर जो पार्ट होता है ये यहाँ तक पार्ट जो है ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पार्ट होता है ये ईस्टर्न कोस्ट होती है। तो यही पूछा गया है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ साउथ गंगा इज रेफर टू एज। तो यहाँ पर जो है गुजरात है, गुजरात के बाद हमारा महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद जो है यहाँ पर गोवा आ जाता है, गोवा के बाद जो कर्नाटका आता है। तो ये जो एरिया है, तो पूछा है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ द साउथ गंगा उसे क्या कहते हैं, उसे हम कोंकण कहते हैं, और नीचे जो केरला का एरिया होता है इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये भी जो हम अपने वीडियोस में जो है वो पढ़ चुके हैं, अगर शायद ये वीडियो मैंने शायद अपलोड नहीं की होगी तो मैं कर लूंगा बहुत जल्दी। तो याद रखेंगे कोंकण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्कन प्लेटू। तो यही अगर हम अपने मैप की बात करेंगे तो मैप का ये जो बीच में जो ये एरिया होता है हमारे, ये डेक्कन प्लेटूज का एरिया है। अगर मैं बात करता हूँ ये ऐसे मैप है, तो ये जो एरिया होता है जो माउंटेन्स के बगैर एरिया है, ये हमारा मैप है। चलो रफली सा मैप बनाया हुआ है नीचे, ठीक है, मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया। तो ये हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि ये वाला एरिया जो होता है वो माउंटेन्स होता है, हिमालय माउंटेन्स होते हैं, यहाँ से ये ऊपर वाला एरिया ये हम पढ़े थे ये माउंटेन्स होता है। तो ये वाला एरिया जो होता है ये हमारे पास जो है वो डेक्कन प्लेटू होता है, जो तकरीबन 8 स्टेटों में जो है वो फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है डेक्कन प्लेटू होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसके रिलेटेड है। डेक्कन प्लेटू फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो याद रखेंगे जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 43% जो एरिया है वो डेक्कन प्लेटू से कवर है, तो याद रखेंगे 43%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे जो है 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, नहीं 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा, विच इज द ओनली रिवर डेट इंटरग्रेटेड इनटू द थार डिजर्ट। अकेला ही रिवर, इकलौता रिवर है जो इंटरग्रेट होता है थार डिजर्ट में। तो उस रिवर का जो है वो नाम हमें पूछा है, तो इस रिवर का नाम जो है वो कौन सा रिवर है, ये लूनी रिवर है। तो याद रखें कि हम सारे लूनी रिवर के बारे में, लूनी रिवर जो होता है ये
याकेला जो है रिवर है जो कि थार डिजर्ट में जो है इंटेग्रेट होता है। और एकदम यहीं पर मैं बात करता हूँ थार डिजर्ट में जो इंडिया का है वो कितना परसेंट एरिया जो है कवर किया जियोग्राफिकल एरिया, तो तकरीबन जो है वो 5% एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। हमने वेस्टर्न घाट देख लिया और हमने ईस्टर्न घाट के बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो इसकी पूछी जाती है हाईएस्ट पीक कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे वो अनामुडी है। अनामुडी आप मुझे बताएंगे कि वो किस स्टेट में है, अनामुडी को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर लिखेंगे कि अनामुडी इज इन विच स्टेट। तो यह इंपॉर्टेंट जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। क्वेश्चन नंबर 13 है विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड सेपरेट अंडोमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। तो आप देखेंगे जो अंडोमान निकोबार आइलैंड है, अंडोमान बेसिकली जो है ये 500 कुछ आइलैंड से बना हुआ है और निकोबार में भी बहुत से आइलैंड है। इस तरीके से जो है ये हमने इसको जो है वो कुछ डिवाइड किया गया है, ऊपर ये हमारे पास अंडोमान होता है और फिर ये नीचे निकोबार है। ठीक है, तो अंडोमान का जो ये नॉर्थर्न पार्ट है, फिर हमारे पास मिडिल पार्ट आता है, फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर सदर्न पार्ट आता है और फिर नीचे हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसे हम नाम मैं भूल गया एक्चुअली क्या कहते हैं, बट याद रखेंगे जो अंडमान को निकोबार से जो है वो कनेक्ट करता है वो 10 डिग्री चैनल होती है। तो यही पूछ क्वेश्चन होगा तो 10 डिग्री चैनल किस किस को कनेक्ट करती है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से। चलिए यहाँ पर मैं लक्षद्वीप से शायद कन्फ्यूज हो गया, 36 होते हैं उसमें आइलैंड, तो इसे करेक्ट कर लेना। तो विद द हाइट ऑफ 7, क्वेश्चन नंबर 14 है विद द हाइट ऑफ 732 मीटर्स अबो द सी लेवल दिस माउंटेन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सा वो माउंटेन है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का और इसकी हाइट जो है 732 मीटर है। तो याद रखेंगे सैडल पीक के बारे में, सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। यहीं पर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, मैंने पहले ही आपको कहा 572 है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलाकर जो है 572 है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो वहां पर 36 के आसपास है। ठीक है, ये याद रख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, विच आइलैंड कंटेन्स द ऑनली एक्टिव वॉल्केनिक ऑफ इंडिया। तो कौन सा आइलैंड है जिसके अंदर जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनिक है। तो आप देखिए जो नॉर्कंडम आइलैंड है ये नदरन पार्ट में मिलता है अंडोमान निकोबार के आइलैंड के, और ये जो एक्टिव वॉल्केनो है ये बैरन आइलैंड में है जो कि अंडोमान निकोबार के मिडल पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बैरन आइलैंड ये एक्टिव वॉल्केनो है, कभी भी जाग सकता है ये वॉल्केनो, अभी सोया हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर फाउंड एट अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सी वो ट्राइब मिलती है अंडोमान निकोबार आइलैंड में, ओंगी, जरावा, सेंटिनेल्स। तो आप बोलेंगे इनमें से कौन सी ट्राइब मिलती है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज ट्राइब्स होगा। ठीक है, ये वही जो है मूवीज में दिखाते हैं उला इलाला वाली ट्राइब जो होती है जो ऐसी आवाज़ें निकालती है, वही ट्राइब है ये। तो कुछ साल पहले जो है अभी जो है अमेरिका के कुछ गए हुए थे वहाँ पर, जो उन्हें मार भी दिया था। ठीक है, तो इन ट्राइब्स ने, तो ये मिलती है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो क्वेश्चन जो है अभी अब हम जो है रीजनिंग सेक्शन से करेंगे। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आप नीचे देखेंगे, फोर वर्ड्स जो है दिए गए, जैसे कि यहाँ पर चार वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स इनमें से अलाइक है और हमें चूज करना है ऑड वन आउट, जो इनमें से अलग है वो हमें जो है चूज करना है। तो साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को पहले ट्राई की लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने का, आराम से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो कौन सा साइकिल, स्कूटर, बाइक और कार में से कौन सी जो है अलग चीज़ है जिनमें ऑड है,
देखिए, साइकिल टू व्हीलर है, स्कूटर टू व्हीलर है, बाइक भी टू व्हीलर है, लेकिन जो कार है वो टू व्हीलर नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कार होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑड वन आउट से ही होगा। चूज द ऑड वन आउट। हैंड है, किडनी है, हार्ट है और आई है, इनमें से हमें जो है वो चूज करना है ऑड वन आउट। देखिए, हैंड जो होते हैं वो टू पेयर्स में होते हैं, किडनी भी टू पेयर्स में होती है, आई भी टू पेयर्स होते हैं, लेकिन हार्ट का कोई भी पेयर नहीं होता। तो आपका आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट हार्ट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन पेयर। तो ठीक है, तो आप समझ गए हार्ट आपका आंसर होगा। चूज द ऑड वन आउट। स्मार्टफोन, होंडा, आईपॉड एंड वेबकैम। स्मार्टफोन एक इलेक्ट्रिक गैजेट है, आईपॉड भी गैजेट में आता है, वेबकैम भी गैजेट्स में आता है, लेकिन जो होंडा है ये जो है ये ऑटोमोबाइल जो है कार्स की जो है वो कंपनी है होंडा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। फाइंड द पेयर डेट इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स ऑफ नंबर। बेसिकली जो है ये एनालॉगी से जो है क्वेश्चन है, तो हमें वो पेयर देखना है दिए गए चार ऑप्शन में से, वो पेयर देखना है जो कि सिमिलर होगा इस गिवन पेयर के। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे 180 और 90 हम देखेंगे, तो 180 जो और 90, 180 का हाफ है कितना, 90 जो है इसका हाफ है। तो हमारा यहाँ पर भी वही आंसर होगा जो जो सिमिलर टर्म होगी जो कि इसकी हाफ होगी। तो हम देखेंगे जो टू और वन है, टू इसका वन का जो है वो डबल है, मतलब टू का हाफ जो होगा वो वन होगा और यही आंसर है। तो क्लियरली द रिलेशनशिप हियर इज 2x × x। दिस सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। विच सेट ऑफ द नंबर इज लाइक द सेट गिवन बिलो। तो 60, 30 और 15 ये सेट हमारे पास दिए गए हैं, इनका रिलेशन हमें देखना है और इन नीचे दिए गए सेट में से भी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 60 का हाफ जो होगा वो 30 होगा और 30 का हाफ जो होगा 15 होगा। तो मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है, द गिवन सेट फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट माने, फर्स्ट नंबर इज जो यहाँ इसे फर्स्ट मानते हैं 60 को, तो फर्स्ट नंबर जो होगा इस तो सेकंड का जो ट्वाइस होगा और थर्ड नंबर जो होगा फर्स्ट का ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन सी में मिल रहा है 20, 10 और 5 में। तो बी एच जे पी ई के यहाँ पर हमें सिमिलर रिलेशनशिप देखना है। अब यहाँ पर हमें जो है वर्ड के जो है वो कोड याद होने चाहिए, बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग से आसानी से हो जाएगा। जो बी होता है, बी का कोड 2 होता है लेटर कोड, एच का जो होता है वो 8 होता है, जे का जो होता है 10 होता है और पी का जो होता है वो 16 होता है। तो अगर हम देखेंगे बी से, अगर हम यहाँ पर इसका देखें तो यहाँ पर बी का जो होता है वो 2 होता है, जे का जो 10 होता है, मतलब इनके बीच में 8 का डिफरेंस है। तो सिमिलरली एच का 8 होता है और पी का 16 होता है, तो यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस होगा। तो ई के बाद वो टर्म आएगी जिस जो यहाँ पर 8 नंबर के बाद आएगी, मतलब हमें प्लस 8 करके देखना होगा। तो ई जो होता है बेसिकली 5 होता है, और 5 में जब हम 8 मिलाएंगे तो 8 × 5 कितना होगा, 12 होगा, और 12 जो होता है वो किसका होता है, सॉरी 13 होता है। ठीक है, तो 8 × 5 = 13 होता है, तो 13 जो होता है वो एम का होगा, तो मतलब यहाँ पर एम होगा। और के बाद भी जब हम 8वीं टर्म देखेंगे, प्लस 8 करेंगे, के जो होता है 11 होता है, और 11 में जब 8 करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर 9 किसका होगा, एस का होता है, तो 19, तो एम एस होगा आंसर आपका, ये होगा एम एस। तो नीचे एक्सप्लेनेशन ने अच्छे से दिया, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 24 होगा बी डी एफ जी ये। तो यहाँ पर भी हमें जो है लेटर के अगर कोड याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। बी का कोड कितना होता है, 4 होता है, और जी का कोड कितना होता है, जी का जो होता है 7, तो 4 + 3 करेंगे तो 7 होगा। यहाँ पर डी का कोड 4 होता है और आई का कोड 9 होता है, तो 4 + 5 जो होता है वो 9 होगा। और यहाँ पर जो है अगला एफ होगा, एफ का कितना होता है, 6 होता है, और 6 + 5 करेंगे तो 11 होगा, मतलब हम सारों में +5 + 5 कर रहे हैं। तो ये ओ है, ओ का 15 होता है, तो +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि किसका होता है बच्चों, ये 20 हो जाएगा।
ठीक है, वो जो होता है 15, 15 + 5 20 हो जाएगा, तो मतलब आपका टी से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। और मैंने नीचे जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दी है। तो चलेंगे आज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है। डायरेक्शन टेस्ट की वीडियो जो है ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं हमारी डायरेक्शन टेस्ट की वीडियोस, सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो ए मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट, सपोज एक आदमी यहाँ पर है और ये आदमी क्या करता है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ साउथ होता है, ये ईस्ट वेस्ट होगा, ये नॉर्थ में होता है, ये हमारा साउथ में होता है, ये हमारा ईस्ट होगा और ये हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक पर्सन है जो कि 3 किलोमीटर ईस्ट में चला गया फ्रॉम पॉइंट ए, किस पॉइंट से, यहाँ पर जो एक पॉइंट जो है वो ए रख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करता है ये पर्सन, एंड देन टेक्स द राइट टर्न, और ये फिर उसके बाद राइट टर्न लेता है, ये इसने राइट टर्न ले ली और कितना चलता है ये 4 किलोमीटर चलता है, और पॉइंट बी से इसने राइट टर्न ली, तो ये बी पे यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर ये सी पे पहुँच गया। अब कहा जा रहा है तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, तो ए और पॉइंट सी में ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने बनाई हुई है, पहले ए से चलता है बी तक, बी के बाद राइट टर्न लेता है सी, और अब हमें जो है ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक राइट एंगल सी ट्राइंगल जो है वो बन गई, हमारे पास ये 3 वैल्यू दी गई है, ये 4 दी गई है, और अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और सी की। तो यहाँ पर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और उससे भी आसान तरीका ये है कि ये हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आपके पास जो एक वैल्यू जो होती है ट्राइंगल की 3 होती है, दूसरी 4 होती है, तो उसका पांचवा साइड जो होगा वो हमेशा 5 होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो है वो रूल है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस। तो यहाँ पर हमने जो है 25 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट किए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे और आपके एग्जामिनेशन में भी जो है ये आपको हेल्प करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से जो है वो जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस से आप हमारे जुड़ सकते हैं, हम जो है करंट अफेयर की वीडियोस डेली अपलोड कर रहे हैं। आज कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जिसमें 30% करंट अफेयर नहीं आएगा, तो वही आपको भी याद रखना है करंट अफेयर, इसलिए हम रोज़ की रोज़ अपलोड कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीके का पोर्शन है ये तो आप कंप्लीट कर ही लेते हैं कहीं से भी पढ़कर, लेकिन जो करंट अफेयर है ये आपको जो है डेली अपडेट होना चाहिए, जिसके लिए हम वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, तो उसे जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहे, उस पर भी हम जो है करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, और यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी जो है वो डाउट होगा आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक होगी आप नीचे क्लैरिफाई करा सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी मैसेज होगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें जो है मैसेज करके जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।